एपीजी शिमला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार चौधरी ने एक वर्चुअल छात्र ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान बताया कि हिमाचल सरकार की अधिसूचना के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभों को देखते हुए एपीजी शिमला विश्वविद्यालय की ओर से 25 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर एक वर्चुअल कुलपति सम्मेलन संबंधी वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा काउंसिल के चेयरमैन एचपीयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील गुप्ता और देश के कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों व शिक्षाविदों ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। ये निष्कर्ष निकाला था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगी। जैसा कि आपको विदित है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई में अनाउंस किया, तो इसमें पिछले 2 साल से काम चल रही थी और हम सबको पता है जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जो कि एजुकेशनल सिस्टम्स को इंडिया में ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है आफ्टर 34 ईयर्स, एंड फाइनली स्टैंड हैज बीन टेकन इनटू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और इसी एंडेवर में हिमाचल गवर्नमेंट ने सितंबर में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट व्हिच हैज अनाउंस कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हिमाचल गवर्नमेंट ने इन टोटो हैज अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। शिमला यूनिवर्सिटी, एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल की एक स्टेट लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत में है और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो हम लोगों ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारी कंट्रीब्यूशंस है वो हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट कर दिया था। और इसमें हम लोगों ने सितंबर में उन्नत भारत स्कीम, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके तहत हम लोगों ने काफ़ी बड़ी लेवल पर वेबिनार किया और जिसमें कि काफ़ी मंथन हुई जो कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और हाउ द यूनिवर्सिटी कैन इम्प्लीमेंट। और इसमें हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर सुनील गुप्ता जी थे, उनको भी एज ए एक्सपर्ट इन्वाइट किया था। इसी सीरीज में अभी हम लोगों ने अपने अक्टूबर में ही एक वाइस चांसलर मीट की थी MOIT यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने, जिसमें कि काफ़ी सारे वाइस चांसलर ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज, मोर देन 10+ वाइस चांसलर हैड पार्टिसिपेटेड, और उसमें भी एक मंथन हुई जो कैसे हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ को अपने यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। APG शिमला यूनिवर्सिटी ने इसी एंडेवर में एक टास्क फोर्स का गठन किया अंदर में, जिसमें कि सारे जो हमारे प्रोफेसर्स थे डिफरेंट स्ट्रीम्स के प्लस डीन्स थे, उन लोगों को हम लोगों ने जिम्मेदारी दी जो कि आप इसको एक्सटर्नली भी डिलिब्रेट करें और डिस्कस करें और हमें रिकमेंड करें कि कैसे हम लोग इसको अपनी यूनिवर्सिटी में धरातल पर ला सकते हैं। क्योंकि देखो, एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ अनाउंस करने से तो कुछ होना नहीं, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू अनाउंस इट दैट जो हमारी कमेटी थी, टास्क फोर्स कमेटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, दे हैव रिकमेंडेड 4 पॉइंट्स टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2020, एंड आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट APG शिमला यूनिवर्सिटी हैज़ फाइनली डिसाइडेड एंड इम्प्लीमेंटेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी हम लोग ग्रेजुअल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ऑलरेडी अंडरटेकिंग दे रखी है जो कि APG शिमला यूनिवर्सिटी एग्रीज टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अभी जब हम लोगों ने अपनी डिसीजन ले लिया है बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द टास्क फोर्स, जिसमें कि पहला हम लोगों ने जो इस बार से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की बात की है, उसमें पहला पॉइंट है एकेडमिक क्रेडिट बैंक का हम अनाउंस कर रहे हैं, वो बच्चों को अब इस प्रोस्पेक्टिवली इसकी बेनिफिट मिली। दूसरा जो एक है जो कि कुछ बच्चे अब जो 2020 से अभी इनिशिएट कर रहे हैं, इन केस समहाउ आफ्टर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वट एवर, अगर दे ड्रॉप इट और दे माइग्रेट टू सम अदर कोर्स और फॉर एम्प्लॉयमेंट दे गोइंग, इन एनी केस ऑफ इवेंचुअलिटी, तो दे विल बी इंटाइटल्ड टू बी अवार्डेड द डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज जो एज पर द रूल एंड रेगुलेशन, जो जितना क्रेडिट उन्होंने एक्यूमलेट किया होगा और जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी करी उस हिसाब से करी। तो मेजर पॉइंट ये है। दूसरा, एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है और उसको वी आर गोइंग टू प्रमोट। और फोर्थ है जो कुछ स्किलिंग्स के बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के बारे में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की है, इन 4 मेजर पॉइंट्स को APG शिमला यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2020।
So I believe that we are the leading university which has basically practically worked and finally adopted and implemented the new education policy. Or mujhe I'm very happy that such a forward-looking education policy announced by Government of India and similarly with the Government of Himachal also has taken a lead. उसमें हमारी जो contribution हो सकती थी higher education में, जिस तरह से हम अपने बच्चों को benefit कर सकते थे, जिस तरह से एक higher education community को benefit कर सके थे, इसमें हम खड़े उतरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।